नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब स्वस्थ और खुश होंगे। चलिए बढ़ते हैं आज की वर्कशीट की तरफ। आज दिन है वीरवार और तारीख है 12 अगस्त 2021। वर्कशीट नंबर है 45A। ये वर्कशीट आपकी हिंदी की वर्कशीट है जो कि पाठ खिलौने वाला पर आधारित है। चलिए बढ़ते हैं वर्कशीट की तरफ। आइए बच्चों, नीचे दी गई पंक्तियों को उचित हाव भाव व लय ताल के साथ बोलकर पढ़ते हैं। यहाँ आपको एक कविता दी गई है और कविता के साथ चित्र दिया गया है खिलौने बेचने वाले का। तो चलिए कविता पढ़ते हैं। सीटी भी है कई तरह की, कई तरह के सुंदर खेल, चाबी भर देने से भग भग करती चलने वाली रेल। गुड़िया भी है बहुत भली सी, पहने कानों में बाली, छोटा सा टी शर्ट है, छोटे छोटे हैं लोटा थाली। बच्चों, क्या आपने देखा कि ऊपर लिखी गई पंक्तियों के अंत में आए शब्द खेल, रेल और बाली थाली एक समान लय के शब्द हैं। जी हाँ, एक समान लय वाले इन शब्दों को कहा जाता है तुकांत शब्द। आज हम तुकांत शब्दों के बारे में और ज़्यादा बात करेंगे। प्रश्न एक, नीचे दिए गए शब्दों के दो दो तुकांत शब्द लिखिए। आपको यहाँ पर अलग अलग शब्द दिए गए हैं जिनके लिए आपको दो दो तुकांत शब्द लिखने हैं। तुकांत शब्द यानी कि ऐसे शब्द जो समान लय वाले हों, जैसे जंगल के लिए है मंगल दंगल, खिलौना के लिए है बिछौना घिनौना, विचार के लिए हो सकता है सितार, ऐसे ही गाड़ी तीर और सुंदर, इनके लिए भी आप कुछ तुकांत शब्द अपने आप लिखेंगे। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न दो पर। क्या आप तुकांत शब्दों का प्रयोग करते हुए खिलौनों से जुड़ी एक कविता की रचना करने की कोशिश करेंगे। आपके द्वारा रचित कविता को बोलकर पढ़िए। आप नीचे लिखे संकेत शब्दों का प्रयोग भी कर सकते हैं। तो हमें एक कविता की रचना करनी है जिसमें हमें तुकांत शब्द देने हैं कविता के हर लाइन में। शब्द हमारे पास सहायता के लिए दिए गए हैं पैसे, कैसे, हार, कार, हाथी, साथी, बंदर, अंदर, होता, तोता, गुड़िया, बुढ़िया। तो कविता कुछ इस तरह से शुरू है। पापा ने दिए मुझको पैसे, सोच रहा खर्च करूं मैं कैसे। तो अब आप इसमें लाइनें बढ़ाते जाइए और तुकांत शब्द लगाते जाइए। चलिए, जैसे कि सोच रहा हूं खरीद लूं कार या फिर ले आऊं फूलों का हार, है ना। ऐसे ही आप भी अपनी कविता को बढ़ा सकते हैं। तो बच्चों, आपको ये कार्यपत्रिका मज़ेदार लगी ना। अब झटपट बताइए कि आज आपने क्या नया सीखा। अभिभावकों के लिए सुझाव है कि बच्चों को घर में पाए जाने वाले पुराने सामान से नई चीज़ें और खिलौने, जैसे माचिस के खाली डिब्बे से गाड़ी, पुराने गिलास का पेन स्टैंड आदि बनाने के लिए प्रेरित कीजिए। तो यह आपकी आज की हिंदी की वर्कशीट। अब बढ़ते हैं ईवीएस की वर्कशीट की तरफ।